नमस्कार दोस्तों, वीवो वी 27 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर और इस चीज़ का मेंशन हो चुका है। तो आज की सीरीज पर हम बात करेंगे और जानेंगे फर्स्ट लुक और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, वीवो वी 27 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च डेट को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो निकल के आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर वीवो वी 27 सीरीज है, इसके अंदर सबसे पहले दो फोन लॉन्च होगा। पहला है वीवो वी 27, फिर है वीवो वी 27 प्रो। दोनों फोन 5G फोन होने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन दोनों में काफी तगड़ा है। अगर हम दोनों फोन के कुछ हाईलाइट चीजों के बारे में बात कर ले तो दोनों फोन में आपको देखने को मिलेगा इस बार कर्व एमोलेड डिस्प्ले, जो कि काफी अच्छा हो सकता है। और जो पीछे में दिया गया है फ्लैश लाइट, वह फ्लैश लाइट आता है रिंग डिजाइन के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे, देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये फोन। सबसे पहले आप इस फोन का फर्स्ट लुक वगैरह देखिए, देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। और ये भी फोन थोड़ा सा कलर को चेंज करता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वीवो वी 27 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले और इसमें भी होने वाला है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और इस बार बेजल्स काफी पतला रखा गया है और आता है सेंटर टिनी पंच होल के साथ, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो वीवो वी 27 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200, जो कि आने वाला है LPDDR4X रैम के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो वीवो वी 27 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 64MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहां पर 64MP का मेन कैमरा है, जो कि OIS के साथ नहीं आता है। उसके बाद है 8MP का अल्ट्रा वाइड, फिर है 2MP का माइक्रो कैमरा और फ्रंट में होने वाला 50MP का कैमरा, जो कि आएगा सेंटर टिनी पंच होल के साथ, आप यहां पर देख पाओगे। उसके बाद वीवो वी 27 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 4600mAh का बैटरी, जो कि आने वाला है 66W चार्ज सपोर्ट के साथ। वहीं अगर हम बात करें वीवो वी 27 प्रो के बारे में, तो इस फोन में भी होने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले और देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर हम बात करें वीवो वी 27 प्रो में लगे हुए प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में देखने को मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200, जो कि आने वाला है LPDDR5 रैम के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो वीवो वी 27 प्रो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 50MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहां पर 50MP का मेन कैमरा है, जो कि आता है OIS के साथ, फिर है 8MP का अल्ट्रा वाइड, फिर है 2MP का माइक्रो कैमरा और इस फोन में भी होने वाला है 50MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आएगा सेंटर टिनी पंच होल के साथ, आप यहां पर देख पाओगे। और वीवो वी 27 प्रो है, इसमें भी देखने को मिलेगा 4600mAh का बैटरी, जो कि आने वाला है 66W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर वीवो वी 27 और प्रो दोनों का स्पेसिफिकेशन जान लिया। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दोनों फोन में होने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, हेडफोन जैक नहीं दिया जाएगा, एंड्रॉइड 13 वर्न करता हुआ दिखेगा, जो कि बेस्ड होने वाला है फ्रंट टच OS 13 पर। देखिए, दोनों फोन काफी अच्छा है और दोनों फोन के अंदर एक ऐसा ब्रांड होगा जो कि कलर को चेंज करेगा, जो कि आप यहां पर देख पाओगे और ओवरऑल ये फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे अभी दिखा रहा है कमिंग सून, लेकिन ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 1 मार्च को। अगर हम प्राइसिंग की बात कर ले, तो वीवो वी 27 है, इसका प्राइसिंग होने वाला है 28,000, जबकि वीवो वी 27 प्रो है, इसका प्राइसिंग होने वाला है 40,000। वीवो का जो वी सीरीज है, इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी अच्छा रहता है, खासकर कैमरा सेटअप वगैरह काफी अच्छा रहता है वीवो के वी सीरीज का। बाकी जो भी फर्स्ट लुक वगैरह है वो सारा आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आपको वीवो वी 27 सीरीज का प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।